गाइस यार सरप्राइज का सामान सब यहाँ पे है, तो फिर से ड्यूक 250 आ चुका है। नेपाल का यूट्यूबर राजकुमार मेरा गुंजे साला मुझको यार। अबे सिर्फ देसी ब्लॉगर भैया दिखाई दे रहा है, पीछे क्या है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखो गाइस जिंदगी में ऐसा भी हो सकता है, कभी देखा है ये देखो गाइस मेरा सिग्नेचर। यस गाइस आई लव पोर्शन यहाँ पे। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिन। हे गाइस लोग फिर हम आ गए और एक नया ब्लॉग लेकर। सो गाइस यार ये ब्लॉग जो है ना सिक्किम का तो लेट आएगा होगा, आज या कल हम ये ब्लॉग को डाल देगा, ठीक है। सो गाइस यार अब हम लोग जा रहा है देसी ब्लॉगर को मिलने के लिए, बातचीत हो चुका है, लोकेशन में भेज दिया। सो हम लोग अभी केक शॉप में है जहाँ से हम लोग केक ले रहे भैया के लिए, लाइक 100 के एक्सपर्स 200 और सिल्वर प्ले बटन के लिए आज सरप्राइज देने जा रहा है असम का बंदा, ठीक है। सो किड़ा हो कैसे हो आप सब, आप सबको फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में द केक 05 नाचो। तो यहाँ पे गाइस देख सकता है केक पे 100 के एक्सपर्स 200 और सिल्वर प्ले बटन लिखा जाएगा। पूरा भाई मतलब देसी ब्लॉगर के लिए है क्या बोल के पूछ दिया, देसी ब्लॉगर भैया का फैन इधर भी है। देसी ब्लॉगर ये भैया देसी ब्लॉगर देख रहा है तो ये शॉप में भी आ जाइएगा कभी दिन, आपका फैन है यहाँ पे। कहाँ के बी 05 ना चुके हैं, फैन मिल रहा है भाई भी यहाँ पे, फैन मतलब फैन नहीं सब्सक्राइबर हो चुका है दोस्ती हमारा, ठीक है। सो यहाँ पे मतलब हर कोई सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल को भी, टिट्यू करके एक बार टिट्यू कर रहा था, टिट्यू हाँ मेरा सिग्नेचर है ब्लॉगर को, हर जगह दोस्त मिल ही जाता है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं 100 के एक्सपल्स 200 सिल्वर प्ले बटन और स्माइल यहाँ पे, ठीक है। भाई ने बहुत बढ़िया तरीका से कर दिया, एक बार टीम टिट्यू कर दे उधर, यस। सो यहाँ पे देसी ब्लॉगर भैया को छिटाने के लिए और यहाँ पे ऊपर से टॉम ग्रे फुटाने के लिए, ठीक है, ओके ना, ठीक छो नहीं। इस बार तो क्यों फिर कातिल छाता दुई पट ठैक कर निकले रहा, देखो गाइस हमारा नेपाली दाजू भाई इतना सपोर्टिव होता है ना, सिक्किम गया, सिक्किम में भी ऐसा भाई लोग मिला और अभी यहाँ पे भी सिलीगुड़ी में भी, ठीक है। और वहाँ का भाई का तो अरे फेरी कड़ा छ स्माइल था, लस्त है लस्त भाई भेट हुन्छ फेरि ल टोटा केटा हो हैन, बाय बाय टेक केयर है। सबैजनाले 1 2 3 भन्छ टिट्यु गरिदिनु ल, यो चाहिँ सिग्नेचर हो कि सबै जग्गा भन्दै आएको कि 1 2 3 टिट्यु, थ्याङ्क यू सो मच। यस्तो हो नि त हाम्रो पारा होइन नेपालीहरूको चाहिँ। त्यो गाइज यार सरप्राइजका सामान सब यहाँ पे है और हमारा देखो फिर से ड्युक 250 आ चुका है गगन भाई का, और गगन भाई छोड़ के गया था लेकिन अभी साथ दे रहा फिर, ठीक है। देखो प्रॉब्लम बट प्रॉब्लम में भी गगन भाई साथ देता है, क्या करेगा, हालत खराब हो जाएगा, जिंदगी खराब चल रहा है गाइस। तो फिर भी भाई आया तो इतना दूर से आया रहा, एक्चुअली अभी आया सिलीगुड़ी पे मेरा जगह पे, और भाई से नाम मिले हो नहीं सकता है, ये हो तो नहीं सकता। रिश्ता हमारा जैसे की डोरी से जुड़ी हो। तो गाइस यार आज स्काई प्रधान सिलीगुड़ी का जोश लाइक SK01 अनिल का जैसा ही आज, ठीक है, वो हम तो ऐसा हाइपर राइडिंग करा रहा ना दार्जिलिंग के रास्तों पे। तो भैया गाइस यार अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रेस कर रहा था क्योंकि ये रास्ता होके एक समय आपका केवी भाई साइकिल ट्रिप किया था तो हम यहीं पे रेस किया था, ठीक है, और ये रास्ता होके हम दार्जिलिंग तक साइकिल लेके गया था। और ड्यू कितना अच्छा लग रहा है भाई, ला 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 मारो मुझे मारो मुझे मारो मुझे क्यों बताए अनिल का, तुम वीडियो देखा था तुम, नहीं नहीं आम देगा आम देगा किस बोलने लगा, तीन बार वो कॉमेडी कर दिया उसने, सौ जोकर लग रहा था। तो यहाँ पे हमारा राइडर का आंखों में कुछ घुस गया मतलब कीड़ा चुम्मा खा रहा आंख में, ठीक है। कल मैंने ऐसे वीडियो देखा था नेपाल का यूट्यूबर राजकुमार बोल रहा था, उसका गर्लफ्रेंड में घुस गया था, अब मेरा घुस गया साला, उसका मतलब उसका गर्लफ्रेंड मेरा गर्लफ्रेंड है मतलब। देखो ये आजकल इसका भाई दुखते ना तिमीलाई हालेगा नम्मी पा हाल्छ नि त हेर मान्छे त कडा रहेछ नि त यार। यो देख सकता लोकेसन ड्युक 250 का साथ, ये ब्याकग्राउन्ड चेक करो गाइस। ये ओइ ला ड्युक 250 का इतने दम गाइस ये है देसी ब्लॉगर भैया का होम टाउन होम स्टे, मतलब होम स्टे रे के भन्दै छु म, देसी ब्लॉगर भैया का इलाका देखो कितना सुंदर है। तो भैया गाइस यार क्या ही बताऊं आप लोगों को, हमें अभी इन वादियों में खूबसूरत 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 और हमें देसी ब्लॉगर भैया का यहाँ पे
लेकिन देसी ब्लॉगर भैया को नहीं मिल पा रहा यार, वो टेंशन लग रहा है हमको, कसम बोल रहा है गाइस, कहाँ चला गया होगा ना। और उनका टाला ओ भाई पहुंच चुका है भाई, ये होता है ना आप देख सकते हो भैया, दादा रास्ते में कुछ आगे ना बैठने लगे अबो दादा अनो मुझे देख चुकी यार सागर भाई साथी आ यार ए तेरी गा दाम्बो रुको रुको बोल रहा है ऐसा बात नहीं है गाइस, यहाँ देख सकते हमारा देसी ब्लॉगर भैया कहीं नहीं चला गया और गाइस देसी ब्लॉगर आपके लिए हाजिर है, हाजिर है गाइस। मेरे को क्या लगा पता है, वीडियो में तो देखते रहता भैया को और अचानक वो रैंडम मेरा मुंह से निकल गया था भैया को देखने के साथ साथ, खूबसूरत 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 देसी ब्लॉगर भैया जितना खूबसूरत है, यहाँ पे उनका बाइक देखो बाइक एक्सपल्स 200 और ये एक्सपल्स 200 और बहुत सारा सरप्राइज है भैया के लिए, आसाम का प्यार भैया को अभी दिखाना पड़ेगा। सो गाइज यार सिक्किम से लाइक है ना, सिक्किम दार्जिलिंग पूरा घूम चुका हूँ और सभी छोटे बड़े सभी यूट्यूबर को मैंने असमिस गामसा लेके आया था, ठीक है, तो भैया के लिए भी स्पेशल आसाम का प्यार लेके आया हूँ आसाम से, और देसी ब्लॉगर भैया तो मेरे लिए इंस्पिरेशन है, लाइक तवांग से देख रहा तवांग से, ठीक है तवांग ट्रिप से हम देख रहा हूँ भैया, तब भैया अलग था, अभी तो बहुत हैंडसम हो चुका है। हाँ, पहले अलग था। और पहले जब वीडियो में बात कर रहा था और आज जब देखता है ना तो वो डेवलपमेंट दिखाई देता भैया के अंदर में। सो ये आसाम का प्यार है गाइस, भैया को जितना सर आसाम का लोग देख रहा है गाइस, भैया को प्यार ऐसा ही देना हम लोग आसाम से आके, ठीक है। सो दिस इज अ ह्यूज लव फ्रॉम आसाम दा, थैंक यू, आसाम इज गाम छौ तब तक लाग्यो, थैंक यू। वन मोर थिंग, यो चाहिँ हाम्रो नेपाली को सबै भन्दा होइन, यो चाहिँ मेरो मम्मीले पठाइदिनु भएको के, यो चाहिँ नेपालीको चाहिँ लगाउनै पर्छ भनेर हो, सो दा कस्तो लाग्दैछ आसामको बन्दा तपाईँले यति मजाले भेट्दैछ? धेरै खुसी लाग्छ यार, यस्तो लाग्छ कि लाइक मैले नि लाइफमा केही गर्दैछु, लाइक आफ्नो आफको लागि पनि होइन, लाइक अरू अरूको लागि पनि एउटा इन्सपिरेसन बिल्डअप गर्दैछु, यो फिल्डमा अब आउनु चाहिँ अलिक साह्रै थियो बट अहिले फिलहाल यस्तो माया पाउँदैछु, यति टाढोबाट भाइ आयो भेट्नु लागि होइन, यो एउटा ठुलो कुरा हो मेरो लागि, इट्स नट एन अब सानो कुरा होइन, एन्ड या थैंक यू वन्स अगेन, खूबसूरत खूबसूरत गाइस, या क्या कहते हो, बस अभी केक कटिंग का यहां पे सेरेमनी होता हुआ एंड आपको भी केक खिलाएंगे। तो गाइस यार केक लाने का रीजन क्या है, क्योंकि भैया का 100K हो चुका है, एक्सपल्स 200 भी आ चुका है, सिल्वर प्ले बटन भी आ चुका है, तो उसके लिए और सिल्वर प्ले बटन का केक कटिंग नहीं हुआ था तो मेरा तरफ से भैया के लिए, ठीक है। सो भैया प्लीज, ये एक्चुअली सरप्राइज दे रहा है, देखो मैंने भी अपने गांव में नहीं किए, ये करेंगे हम, एंड भाई ने कहा कि यार मतलब अरुणाचल से हम देख रहे बोलकर, तब मेरा बाल भी छोटा था, हाँ तो, एंड ये भी कह दिया कि तब मैं हैंडसम नहीं दिखता था, ये झूठ बोल रहा है, नहीं था, नहीं था, वो अभी का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो कॉन्फिडेंस के साथ आपका पूरा सब कुछ मिलता है, तब आप कैसे करता था वीडियो, ये बोल रहे हैं मेरा इनिशियल फेस था एंड लाइक हम नए नए थे एंड बट तब से भाई हमें फॉलो कर रहे हो, व्हिच इज यार मतलब दिल से शुक्रिया। तब भैया बाइक में नहीं सुमो में जाता था, हाँ ये देखो मैं ट्रेन से आया था गुवाहाटी, गुवाहाटी से टैक्सी लेकर मैं चला गया था ईटानगर होके तवांग गया था। सो गाइस यार चलो केक कटिंग करते हैं एंड अ बिग थैंक यू टू मेरा भाई, नहीं आ पाया ना तो यही है मेरे लिए मीटअप, 1 2 3 4 इट्स तेरी आंखों का काजल ना फैले अब कभी भी, बाप रे बाप दामी मोपटी में आया था ना लावन बाती बाती ओ बा पहला बाइक से मेरे भाई लाई एकदम, थैंक यू सो मच दा, एंड सेकंड बाइक तपाई लाई दामी डाला गर्न पर्थे लगेर सेकंड टाइम तिम्रो लाग्यो लाग्यो, थैंक यू दा मेरे भाई लाई। By the way, भैया ने बाइक धुलाया था, हम लोग ने बाइक का मजामा बना दिया, देख सकता है सुंदर परी बना दिया बाइक को, देख जाए पूरा, हाँ डिजर्व करता है ये, क्योंकि ये मेहनत है गाइस, ये मेहनत है यार भैया का, जो मेहनत है ना कसम दा तपाईँले यस्तो दिल जित्नु भएको छ नि हाम्रो, त्यो मतलब नेक्स्ट लेभल हो कि, तर तपाईँले जति लाइक इन्सपिरेसन दिनुभएको छ नि, तपाईँको जुन स्ट्रगल लाइफ जुन छ नि, त्यो हामीले हेरेर आएको कि, कहाँदेखि तपाईँ कहाँ पुग्नु भएको कि, त्यो आफ्नो आँखाले हेरेर तपाईँको भिडियोलाई फलो गर्दै हामी पनि अगाडि बढेको कि, गाइस ये सीन चेक करो गाइस, क्या ही भयंकर कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है,
यहाँ पे सिर्फ देसी ब्लॉगर भैया दिखाई दे रहा है, पीछे क्या है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ पे हमारे को एक्सपल्स 200 दिखाई दे रहा है, और ये गाड़ी जो है ना अब गायब हो जाएगा देखना। खत्म खत्म, टाटा बाय बाय, कहाँ गया? देखो गाइस चला गया, ठीक है। और ये वादिया है हमारा देसी ब्लॉगर भैया का, जो कि इसीलिए देसी ब्लॉगर भैया ये वादिया को देख के शायद खूबसूरत खूबसूरत बोलने आया है कि नहीं बोलिए। गाइस यार हमारा असम में भी बहुत सारा यूट्यूबर है लाइक जो स्ट्रगल फेस कर रहा है ना, स्ट्रगल लाइफ जी रहा है, वो लोग भी लाइक यूट्यूब में वो लोग भी कुछ करना है। तो हम क्या चाहते हैं ना गाइस, देखो हम देसी ब्लॉगर भैया को मिलने का क्या रीजन है कि इनसे हम लोग ने बहुत कुछ सीखा है, लाइक है ना कैसे जब कुछ नहीं भी होता है ना तो कैसे हम लोग को बाउंस बैक करना है, कैसे हम लोग को गिव अप नहीं करके और ज़्यादा करके दिखाना है ना। वो भैया से बहुत लोग इंस्पायर हुआ है, और हम एक बंदा है वहाँ से जो आसाम से बिलोंग करता है, जो भैया से इंस्पायर होकर आज हम यूट्यूब में शायद कर रहा है और करते भी जाएगा आगे तक, क्योंकि भैया तो हम लोग को इंस्पायर करना छोड़ेगा नहीं, ठीक है। कर ही रहा है और आज तक कर रहा है। तो जितना सारा मेरा व्यूअर्स देख रहा है, जो भी यूट्यूबर है जो यूट्यूबर नहीं भी है, वो लोग आप एक छोटा सा लाइन कुछ मोटिवेशन लाइन वो लोग को क्या देना चाहता आप? वह सबसे पहली बात तो यार मतलब अपने भाई को यार बहुत बहुत शुक्रिया, आसाम से ऑल द वे फ्रॉम आसाम इतना मेहनत करके यहाँ पे आए, अपना सिक्किम ट्रिप अच्छे से करके फिर से लाइक सिलीगुड़ी से वापसी हमारे गांव आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कि यार मतलब जैसे अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो कैसे बाउंस बैक करें, ये सब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। yes. क्योंकि कैसे ऐसा होता है ना, हम मिडिल क्लास जो बंदे लोग होते हैं वो मतलब अपना नाम कमाना चाहते हैं इस फील्ड में, ठीक है, इस फील्ड में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट क्या होता है मतलब जो लैक ऑफ फाइनेंशियल, लैक ऑफ सपोर्ट, सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये कहूँगा सपोर्ट इनिशियल फेज में हम मिडिल क्लास वाले बंदे का जो पेरेंट्स होते हैं ना वो घबरा जाते हैं एक्चुअली इस फील्ड में, तुम क्या करने जा रहे हो, वीडियो बना के क्या करोगे, कैसे पैसे कमा के खाओगे, क्योंकि थोड़ा बहुत नॉलेज की कमी एंड थोड़ा सा सपोर्ट उनकी तरफ से फाइनेंशियली भी नहीं कर सकते। तो उसके वजह से वो क्या चाहते हैं लाइक हमारे बेटा या बेटी पढ़े लिखे लाइक कोई कॉर्पोरेट जॉब या कोई अच्छे से जॉब के लिए अप्लाई करे या बाहर चले जाए पैसा कमाए लाइक खुश रहे, वो उनका एक अलग सपना है, वो उनका वो अगर उनके तरफ से बोलूँ तो वो सही है, बट हमारे तरफ से अगर बोलूँ ना गाइस, जो हमारा जो ड्रीम्स एंड लाइक जो हमारा जो एम्बिशियस गाइस लाइक अगर आप ब्लॉगर यूट्यूबर बनना चाहते हो तो इसके लिए यार मतलब सब कुछ छोड़ना पड़ता है गाइस एक्चुअली, जैसे हमने छोड़े हैं, मुझे तो अभी भी काफ़ी कुछ बताना है मेरे लाइफ से रिलेटेड, वो अभी तक हमने नहीं बताया, वो धीरे धीरे बताएंगे। तो काफ़ी कुछ छोड़ना पड़ता है लाइक डिसीजन को ना गाइस अपने दिल से सुनना पड़ता है एक्चुअली, अगर आपका दिल बोले ना तो यार मतलब आपका जो ड्रीम है वो पूरा होगा। लोगों का ना सुने गाइस, लोग तो है ही सुनाने के लिए, बस अपने दिल के सुने एंड लाइक मेहनत करते जाए, अपने मेहनत के ऊपर भरोसा करें एंड अपने काम के प्रति और मेहनत करें एंड आगे बढ़े। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से एंड एट दी एंड मैं वही कहना चाहता हूँ, जैसी भाई भी मेहनत कर रहा है, देख रहे हो ना गाइस, देख रहे हो आसाम से जितने लोग भाई को ही फॉलो कर रहे हो, भाई को ही देख रहे होंगे क्योंकि भाई का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है वो मैंने भी देखा है, इनका वीडियोस काफ़ी बार देख चुका हूँ एंड देखते भी रहता हूँ, एंड भाई भी देखो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। तो दिस इज़ व्हाट सक्सेस वी कॉल, क्योंकि जीरो से जो स्टार्ट करते ना गाइस वही बंदे को पता होता है, वैल्यू होता है कि मतलब जो हम नंबर्स कमा रहे वो क्या है हमारे लिए। मेरे अभी चैनल में 100K मैटर नहीं करता है गाइस, नंबर्स मैटर नहीं करता है, अपना भरोसा, अपना ड्रीम, अपना मेहनत रंग लाता है किसी न किसी दिन। yes. तो अपने सक्सेस के ऊपर भागे गाइस, क्या बोलते हैं। यस और दास से तो हम लोग जो मोटिवेशन मिलता है ना दास से, शायद ही हम इंस्पायर किसी और से नहीं हुआ होगा, लेकिन भैया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ है, क्योंकि जो भैया ने दो लाइन बोला ना कि भाई का भी बैकग्राउंड मैंने देखा हूँ वीडियो में है ना, सो समझने वाला समझ जाता है एक्चुअली गाइस, एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू बी एट द एंड ऑफ द डे, हमें ना बस आपका प्यार ही चाहिए होता है, नथिंग एल्स गाइस। भाई भी इतना मेहनत कर रहे हैं पब्लिकली गाइस, मतलब मैं बताऊँ डांस करना मतलब जिगरा होना चाहिए, जैसे हम सोलो राइड करते थे ना एंटॉक पर वो जिगरा लेके करते थे, बट भाई भी जो करता है ना गाइस जो आपको एंटरटेन करने के लिए बहुत कुछ करता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे दम होना चाहिए तो इसके पास भी है गाइस। एंड वंस अगेन द खूबसूरत लास्ट लाइन, खूबसूरत प्लीज, दिस इज व्हाट कॉल दिस लाइन इज लाइक जस्ट टच माय हार्ट एंड आई थिंक योर एवरी सब्सक्राइबर लव्स दिस लाइन। हाँ ये पता नहीं, मैंने तो ऐसी मजाक में खूबसूरत सोचा था, बट अभी के टाइम पर सभी लोगों जुबान में वही रहता है, तो खूबसूरत गाइस क्या कहते हो। यस और जब केक लिया ना हम लोग आपका, वो केक दुकान में भी सब्सक्राइबर था, वो लोग भी मिलने के लिए तरस रहे आप लोग से। तो एक्सपल्स बोला था, पता चली गया। मैंने गाइस जब बोला ना कि 100K एक्सपल्स, जब केक में लिखने लगे देसी ब्लॉगर को मिलने जा रहा बोला, लेकिन गाइस कोहरा कितना छाया हुआ है देखो, देसी ब्लॉगर भैया को मिलके बहुत ही अच्छा लगा, और देसी ब्लॉगर भैया का दोस्त
यहाँ पे जिनका साथ आज दोस्ती हो गया, आप कहीं मिलेंगे तो फिर बात करेंगे, लेकिन हाँ आसम आओगे तो एकदम बवाल मतलब हैंग कर देंगे सिस्टम। और ये देखो गाइस एक्सपल्स